हाय हाय अमित, यार सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सुनो, क्या चल रहा है? हाँ, सर। बढ़िया है सर, फाइन। और किसकी तैयारी कर रहे हो अभी? अभी क्या, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो? सर पावर प्लांट में सोच रहा हूँ सर। पावर प्लांट। यस सर। ओके, तो रनकाइंग साइकिल पे आते हैं सर। ओके सर। पिछली बारी कौन सा साइकिल था? नहीं सर, पिछली बार सर फ्लूड मैकेनिक्स का दिया था। ओके, बिजनेस फ्लूड गैरेज था, पावर प्लांट। ओके, सर रेंकाई साइकिल का तो पहला सारा प्रोसेस समझा दो, क्या होता है, सिंपली बता दो क्या होता है उसमें। इन रैंकिन साइकिल देयर आर द फोर प्रोसेस। टू आर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड अनदर टू आर द एसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब पहले एक एक प्रोसेस करके सब प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओके सर। ओके पहला प्रोसेस लेते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसमें इंक्रीज कर रहे हैं, बॉयलर है जिसको बोलते हैं, राइट। बॉयलर में प्रेशर मतलब इंक्रीज सर करते हैं। सर प्रेशर इज रिमेंस कांस्टेंट इन द बॉयलर बिकॉज इट्स अच्छा, स्टैटिक। तो क्या करते हैं उसमें? हाँ, सर वी ऐड द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन इन अ बॉयलर ओके, तो एंड इन कैसे रीचिंग द कैसे वेट। करते हैं बॉयलर में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड? सर हम जो फ्लू गैसेस से हैं, फ्लू जो हमारा मान लीजिए चैम्बर है उससे फ्लू गैसेस आते हैं एंड फ्रॉम द फ्लू गैसेस वी हैव गिवन द हीट टू द बॉयलर। ओके, तो हीट अगर देंगे तो उसका प्रेशर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ओके, सर बिकॉज या वन मिनट सर। कॉन्स्टेंट प्रेशर कैसे रह रहा है वो? यस सर। यस सर बता रहा हूँ। अच्छा, जनरली हम कैसे करते हैं हीट ऐड? आप घर पे कैसे करते हो हीट ऐड? मतलब किसी चीज को बनाते हैं तो कैसे बनाते हो? एटमोस्फेरिक कंडीशन में हम लोग जो हीट सप्लाई जैसे गैस वर्नर से हम। एटमोस्फेरिक कंडीशन में रखते हैं तो क्या बॉयलर एटमोस्फेरिक में ओपन है, क्लोज नो 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 सर, इट इज अ क्लोज है? लूप। क्लोज चैम्बर का घर पे क्या एग्जांपल है तुम्हारे पास? हाँ सर प्रेशर कुकर जैसे हैं प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में तो प्रेशर चेंज होता है। या सर इनिशियली द प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज व्हेन द इट स्टेडी स्टेज जब ऑब्टेन हो जाता है तो प्रेशर हमारा तो क्या बॉयलर भी सेम है, प्रेशर कुकर जैसा ही है? तो स्मॉल डिवाइस कर सकते हैं कि क्या उसमें बोल प्रेशर। सकते हैं प्रेशर कुकर इज इक्वल टू बॉयलर? क्या ये बता दो आपको, ये मेरी स्टेटमेंट सही है? सर मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे बॉयलर एक प्रोटोटाइप के टर्म में अगर ऐसा सोच पाए तो ये मॉडल टाइप में कर सकते हैं। एक स्मॉलर डिवाइस है ये जिसमें प्रेशर जैसे उसमें बॉयलर में बहुत ज्यादा रखते हैं, इसमें प्रेशर एज कंपेरिजन टू द बॉयलर इसमें लोअर होता है। ओके, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर इसलिए रह रहा है, कैसे रह पा रहा है सर? अच्छा, ये बताओ फिर, कांस्टेंट प्रेशर कैसे रह पा रहा है? क्योंकि तो प्रेशर कुकर में तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। प्रेशर कुकर क्या है? वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट यस सर। यस सर। वॉल्यूम में हीट एडिट कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। यस हाउ सर। इज बॉयलर एबल टू ऐड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? यस हम सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करते हैं घर पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक सर आज है? जो हमारा ये कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है। हाँ, हाँ ठीक है सर। आई सॉरी। सेम क्वेश्चन आता है, कंडेंसर में ऐसा क्या हो रहा है? अभी कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, वो भी इसके बारे में सोचना। हीट निकल रही है, अब उल्टा हो रहा है, फिर भी प्रेशर कॉन्स्टेंट है। हाउ इज दैट हैपनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले साथ कनेक्टेड है। अगर पिछले का आंसर आ गया तो अगले का भी आंसर आ जाएगा, सेम रीजन होगा, ठीक यस है? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, कंडेंसर में हो क्या रहा है, पहले ये बताओ। कंडीशन में कुछ नहीं है सर, जो हमारे मतलब कि हीट रिजेक्ट हो रहा है। जैसे मान लिया एग्जांपल अगर स्टीम रैंकिन साइकिल का मैं लेता हूँ तो जो हमारा स्टीम जो फ्लो आउट हो रहा है हमारा टरबाइन से जब वो कंडेंसर में जाता है तो अगर हमारा वाटर कूल कंडेंसर है देन द स्टीम से वो क्या हीट विल बी द गिवन टू द वाटर एंड द रिजेक्टेड फ्रॉम द हीट फ्रॉम द कंडेंसर। तो हम कोई और वाटर ले रहे हैं जिसमें हम उसकी हीट निकाल रहे हैं, राइट। कोल्डर यस सर। वाटर से उसके साथ, एक तरह का हीट एक्सचेंजर से हम कोल्ड वाटर लेके उसकी हीट निकाल के कोल्ड वाटर को दे दिया, और कोल्ड वाटर बन गया हॉट वाटर। यस सर। यस सर।
और जो हमारी स्टीम थी वो लिक्विडिफाई हो गई सारी, यस वाटर यस बन गई प्रॉपर। अब यस मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हॉट वाटर निकल रहा है वापस हमारा यस यस सर कंडेंसर से, हॉट वाटर जो निकल रहा है जिसको हमने अंदर डाला ताकि स्टीम को हम फेज चेंज करा सकें, उसका क्या करते हैं? फिर सर उसको कूलिंग टावर में ले जाते हैं, फर्दर वहाँ कूलिंग टावर में कूल्ड करके फिर फर्दर हम कंडेंसर में सप्लाई करते हैं। कूलिंग टावर कैसे कूल करता है? सर कूलिंग टावर एक टाइप का सर एवोपरेटिव कंडेंसर है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर हीट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टीम फ्रॉम द वाटर, एंड आफ्टर दैट दिस वाटर इज कूल्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एयर, एंड आफ्टर कूलिंग द वाटर अगेन इज सेंड टू द कंडेंसर। इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में बताओ, कैसे करते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग? सर एवोपरेटिंग कूलिंग जैसे कि गर्मी वगैरह में घड़ा जैसे होता है सर, हाँ तो घड़ा वगैरह में पोरस होता है, तो क्या होता है कि सम ऑफ द लेट नहीं, सपोज घड़ा में वाटर है। कूलिंग टावर के कॉन्सेप्ट में बताओ, कूलिंग टावर में या कैसे करते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग? कूलिंग सर टावर मुझे देखा ये नहीं कभी? पता है सर, देखा तो नहीं है हमने। नो तुम्हारे घर के आसपास कोई थर्मो पावर प्लांट नहीं है? नो सॉरी सर, कोई रस्ते में कभी देखा है नहीं थर्मो पावर प्लांट? सर हम लोग जाते हैं तो एनटीपीसी क्रॉस करता है, तो वहां पे आई थिंक कूलिंग टावर हमने देखा होगा, ट्रेन से देखा होगा, लेकिन जाके सामने से नहीं देखा होगा तो देखने में कैसा होता है? सर। आई थिंक कॉनिकल शेप का होता है, मैं डिजाइन करके थोड़ा बता देता हूँ। ओके, आई थिंक इस टाइप का होता है सर, हाँ हाँ विजिबल सर। हाँ हाँ हो गया हो गया। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है इस तरह की, यस सबसे सर बड़ी बिल्डिंग यही होती है कूलिंग टावर, राइट? यस यस सर इतनी बड़ी क्यों बना देते हैं इसको? थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। हाँ यस यस सर आई कुछ थिंक आइडिया है कुछ? सर आई थिंक सर सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मोर वाटर विल बी कोल्ड द हायर आई थिंक। चलो सॉरी सर ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपके पास सर घड़ा है घर पे, उसमें पानी ओके है, सर यस यस सर पानी कितना ठंडा कर देगा घड़े को, घड़े में? और हाउ मच टेम्परेचर इट विल रिड्यूस? -4 ले जाएगा, बर्फ नो जमा नो नो लेगा, सॉरी नहीं नहीं सर तो कितना ठंडा करेगा? सर आई थिंक अगर एटमोस्फेरिक कंडीशन है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो आई थिंक इट विल बी द 20 to 22 आई थिंक सर 20 के आसपास कर देगा, राइट? हाँ, यस यस तो क्या सर्दियों में भी कर देगा काम? सर बारिश के मौसम में काम करता है घड़ा, कूल नहीं सर करता है बारिश बारिश के के मौसम? अच्छा, सर किस उतना मौसम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम घड़ा, ये बताओ, किस मौसम में सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं उसको? हाँ, इसके बिना काम नहीं चल रहा। आपको समर में यूज करते हैं। समर में, वो भी जून जुलाई में, बारिशों से पहले पहले, क्यों? यस सर यस सर क्यों उस कंडीशन में सर ह्यूमिडिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत और ज्यादा होता है। या सर एंड टेम्परेचर इज आल्सो गोइंग टू बी हायर। ओके, तो जून में बारिशों से पहले ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो यस सर ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटीज वो भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है सर। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का कारण क्या है बारिशों से पहले? बारिश अभी हुई नहीं है स्टार्ट, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि सर ह्यूमिडिटी डायरेक्टली इंडिकेट्स करता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सिस्टम, एक्चुअल सो अमाउंट ऑफ पसीना वाटर वेपर? या प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसी कारण सर पसीना वगैरह ज्यादा आता है। हाँ ओके, अच्छा, पसीना बारिश के मौसम में ज्यादा आता है कि बारिश से पहले ज्यादा आता है? अच्छा, चलो इसको भी छोड़ते हैं। तुम अपने घर पे वो जो एयर कूलर यूज करते हो, जिसमें एयर पानी भर के और गुद्दे में भर यस के, यस डेजर्ट डेजर्ट कूलर कूलर? हाँ, डेजर्ट कूलर, सही वर्ड बोला तुमने, यस डेजर्ट कूलर। बारिश जैसे स्टार्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देता है, क्यों? ठंडी हवा देनी बंद कर देता है। हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले पहले भी तुम बोल रहे हो बारिश से पहले भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है,
नहीं सर, तो बारिश के मौसम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हुआ सर, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हाँ आई थिंक रिलेटिव ह्यूमिडिटी बरसात के समय में आई थिंक इट विल बी द 80 to 90%। ओके ओके ठीक है। ओके अमित, पहले क्वेश्चन से आते हैं, दोबारा फीडबैक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चार प्रोसेस तो ठीक बता दिए तुमने, मोशन प्रेशर और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो बता दिए तुमने, आइसेंट्रोपिक बताया था ना। यस सर, यस सर। अब प्रेशर कांस्टेंट इसलिए रह रहा है क्योंकि हमारा जो बॉयलर है यस सर वो फ्लो उसमें हो रहा है, ट्यूब है वो, इट्स नॉट क्लोज सिस्टम, इट इज फ्लोइंग सिस्टम, ओपन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, yes, उसमें yes, फ्लो कर रहा है। जब फ्लो के थ्रू, जब फ्लो के टाइम आप हीट ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट आप प्रेशर आप कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर आप रोक के उसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जितनी ही स्टीम हो रही है वो निकल रही जा रही है, इट्स नॉट लाइक वी स्टीम उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। फ्लो में आप जब हीट दे रहे हो एंड में वो स्टीम बन रही है और स्टीम आगे टर्बाइन के अंदर जा रही है, ये समझ पा रहे हो। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द फ्लो, जब मैं हीट दे रहा हूँ इसको यहाँ पे तो उसके पास सिर्फ वाटर है और धीरे 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 जो इसको इसको बोलते हैं फ्लो बॉइलिंग। फ्लो बॉइलिंग पढ़ा कभी, पहले बबल्स बनने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे एनुलर फ्लो आता है, बबली फ्लो आएगा, एनुलर फ्लो आएगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे सारा ही वो सारा का सारा ट्यूब। अगर तुम हीट ट्रांसफर का कभी दोगे तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं भी कैसे हीट ट्रांसफर होती है बॉइलिंग के टाइम, फ्लो बॉइलिंग के टाइम कैसे हीट ट्रांसफर होती है उसके अंदर, और फिर तुम उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा प्रेशर कॉन्स्टेंट क्यों रह रहा है, हो रही है इसलिए वहां पे कॉन्स्टेंट प्रेशर आ रहा है। सिमिलरली कंडेंसर में भी ऐसा हो रहा है। अब जो पानी कंडेंसर में हीट होके बाहर निकला जो कि हमने कूलिंग टावर में भेजा, हम वहां क्या कर रहे हैं। हेलो, यस सर, यस सर, तुम्हारी आवाज बंद होगी बीच में, कोई बात नहीं। तो हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फीडबैक दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो पानी हीट होके बाहर निकला उसको हमने कूलिंग टावर की हाइट से ऊपर पंप कर दिया, बहुत ऊपर ले गए, ऊपर हमने स्प्रे लगा दिया उसको, उसके हाथ स्प्रे कर दिया उसको हवा में, तो वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट गया जो स्प्रे कर दिया जब हमने, तो वो ड्रॉपलेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है हवा में और वो एवेपोरेट भी हो रहा है, कुछ पार्ट जो एवेपोरेट हो जाएगा वो हीट ले जाएगा और उसको ठंडी कर देगा, ठंडा होके पानी नीचे गिरेगा, वो हम द्वारा रीयूज करेंगे फेस चेंज के लिए अगेन, ठीक है। इतना बात क्लियर है, यस सर। अब टेम्परेचर कितना कम होगा वेपोरेटिव कूलिंग में, टेम्परेचर होगा वेट बल्ब टेम्परेचर जितना रिड्यूस होगा, बस उस टाइम जितना वेट बल्ब टेम्परेचर आएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर तुम शायद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में अच्छी तरह पढ़ोगे, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। पावर प्लांट इज नॉट जस्ट पावर प्लांट, इट इज आर ए सी, थर्मोडाइनमिक्स एंड पावर प्लांट। पावर प्लांट पढ़ने से पहले तुम्हें आर ए सी भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो सर्दियों के सॉरी गर्मियों के मौसम में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा हो सकती है, इसलिए टेम्परेचर भी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, जितना ज्यादा इवेपोरेशन आप कर सकोगे उतना ही कम टेम्परेचर जाएगा, जितना कम वेपोरेशन कर पाओगे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी एटमोसफियर में तुम्हारा वेपोरेशन रेट बहुत डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि तो उसके पास ग्रेडियंट नहीं है ना, जाने जाएगा कहाँ, जहां कम वेपर्स होंगे वाटर के वहां जाएगा ना वो, जब पहले ही ज्यादा है एटमोसफियर में तो कहाँ जाएगा वो, तो दैट्स व्हाई द कूलिंग इज लेस व्हेन देयर इज रेनी सीजन। शुरू शुरू में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, पसीना सबसे ज्यादा हमें ह्यूमिड जब बारिश होती है तभी होता है, गर्मियों में पसीना नहीं आता है, सिर्फ गर्मी लगती है, ठीक है ना। और वो ह्यूमस वाला, तुम कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? सर बिहार का रहने वाला हूँ। कभी मद्रास जाना तुम्हें पता लग जाएगा अभी ह्यूमिडिटी क्या होती है, वहां कोई कूलर डेजर्ट कूलर काम नहीं करता है, किसी भी मौसम में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे सी है, उसकी वजह से वहां पानी रहना ही रहना है हवा में, ठीक है। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है, वहां मत जाना कभी भी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने सब आंसर कर दिया, बाकी सब थोड़ा सा और अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें क्रिएटिवली आंसर देना है उसको,
समझना है पहले कि भी क्या इश्यू है, क्या मतलब उसको पूछ रहे हैं, उसको कैसे आंसर देना है। और अगर कोई आंसर नहीं आता है तो यू कैन से सर मेरे को आंसर आता नहीं है, लेकिन आई कैन ट्राई टू थिंक ऑफ सम रीजन। और कभी भी ब्लंडर नहीं करना है। अगर तुम कुछ ब्लंडर्स आंसर देते हो जो कि फिजिक्स के अगेंस्ट है ना, जैसे तुमने बोला नहीं रेनी जो जून जुलाई में गर्मियों की वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होती तब, ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं देना है इंटरव्यू में, थोड़ा ध्यान से सोच के बोलना है। जून के महीने में जब बारिश नहीं आई है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, लेस देन 40% से भी कम होती है, और जैसी बारिश आ गई तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के हो जाती है 90%। अमाउंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर? इंडिकेट्स इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट एयर। हां प्रेजेंट एयर, लेकिन इसका डेफिनेशन ये है कि भी जितना वो सोख सकता था 100% जितना है। सपोज करो तुम्हारा एयर क्या कैपेसिटी है कुछ ग्राम्स ऑफ एयर को सोखने का, 10 ग्राम्स ऑफ एयर, और उसने ऑलरेडी 9 ग्राम सोख लिया, तो 9/10 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये उसका ओवरऑल है, कैपेसिटी कितनी है और सोख कितना लिया है, उसकी रेशियो जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, परसेंटेज में देते हैं इस बेस। ठीक है अमित, अच्छी तरह तैयारी करो और अच्छा इसको तैयार करो, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।